ये देखिए यहाँ से भी हिमालय पर्वत दिखता है, लेकिन अभी चूँकि बादल लगे अक्टूबर के बाद से पूरी तरह से हिमालय पर्वत क्या है बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। अभी काफ़ी ढूंढ रही थी तो हिमालय को दिखाने, और वैसे मैं आ चुका हूँ मई जून में, उस वक्त भी काफ़ी ढूंढ थी। अगर हम यहाँ पर अक्टूबर में शूट करते हैं तो शायद यहाँ पर मौसम अच्छा हो, और कई टेलीस्कोप यहाँ पर लगा के रखे हुए हैं जो। अब हम चलते अपने आगे की ओर। ये नैनीताल से बिल्कुल पास पे ही है, ज़्यादा दूर नहीं है, मुझे लगता है 3 या 4 किलोमीटर पे होगा ये। और मैं एक मिस्टेक कर रहा था, आज जो मैं घोड़खाल मंदिर गया मुझे लगा था कि हिमालय दर्शन से ऊपर ही कहीं पे मंदिर है, क्योंकि मैं चूँकि ऊपर चढ़ाई से जाते हुए था, लेकिन ये हिमालय दर्शन है नैनीताल में और वो घोड़खाल है भवाली के पास। अब हम एक बर्ड सेंचुरी के एरिया में आ गए, और यहाँ काफ़ी ठंडी हवा चल रही है नीचे शहर के तापमान में, हालांकि शहर में भीड़ भाड़ भी है, लेकिन मुझे लग रहा है कम से कम 5 से 7 डिग्री टेम्परेचर का नीचे और ऊपर में अंतर है। ये रॉक्स देखिए, और ये शाम में शहर है, यहाँ ज़्यादा बस्तियाँ नहीं हैं तो चिड़ियों के लिए आदर्श स्थान है। झील के पास बस धीरे करके बढ़ाइएगा, मैं वीडियो लेता हूँ, हाँ रोकिएगा मत, खाली बस मैं वीडियो लेते जाइएगा बस। ये देखिए खूबसूरत सी झील है। तो ये अक्टूबर में पानी और कम हो जाएगा, बढ़ेगा। जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते जा रहे हैं जंगल काफी घना होता चला जा रहा है, और सामने देखिए बिल्कुल हरियाली दिख रही है। चारों तरफ चीड़, बाज, देवदार के पेड़ कम दिख रहे हैं, लेकिन बाज के पेड़ बहुत होते हैं, इस हवा को ठंडा करती है। आप इसी घास की बात कर रहे थे क्या? कौन सी? ये वाली घास की बात कर रहे थे कि बर्बाद कर देती है पूरी उसको? ना ना जी, ये नैना देवी बर्ड सेंचुरी हम आ गए हैं। नैनीताल से इसकी दूरी कितनी है? दूरी 12-13, और ये ऊंचाई पर है, लगातार हम ऊंचे ही चढ़ते चले हैं। आज रविवार का दिन है तो काफी बाहर टूरिस्ट दिख रहे हैं। जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते जा रहे हैं जंगल और घना होते जा रहा है। ये देखिए पंगोट यहाँ से 4 किलोमीटर है ऊपर, पता चला एक आर्टिफिशियल झील भी है, अब जाके देखनी होगी उसकी कंडीशन क्या है। अक्टूबर में पानी भरा होगा उसमें? हाँ। पंगोट बताया ना जगह का नाम? और हम लेक के पास पहुंच गए, उसके पीछे लगाना वो आगे वाली गाड़ी, ये व्यू तो अच्छा है। केदारनाथ यहीं से घुमाने ही आगे जाना है। ये देखिए नीचे झील, ये आर्टिफिशियल बनाई हुई है, आइए नीचे। हाँ हाँ नीचे भी चलते हैं, आपके बहाने हम नीचे नहीं है। अब हम आगे पंगोट में, और ये आर्टिफिशियल झील है और ये बहुत ही खूबसूरत लग रही है मुझे। मगरमच्छ हट गए,
आके ले लूँ चलेगा, आके ले लूँ चलेगा टिकट? आइए नीचे। और हम आ गए पंगोट आर्टिफिशियल झील में, वैली के नीचे बनाई हुई काफ़ी अच्छी जगह है ये। मैं आपको सामने का नज़ारा दिखाता हूँ, ये देखिए। बहुत ही खूबसूरत है। और यहाँ पे रामायण का पहला श्लोक लिखा हुआ है, ये वाल्मीकि। और उन्हीं सात राज जिन्होंने उसकी हत्या की थी, और यही आगे चल के वाल्मीकि बने। पानी बिल्कुल साफ है। नैनीताल से 15-20 किलोमीटर पड़ता होगा ये। कुल मिला के ये जगह बहुत ही अच्छी है, प्यारी है और अनछुआ जगह है, क्योंकि जब मैं पहली बार नैनीताल आया था तो मुझे यहाँ के बारे में बताया नहीं गया था। अभी हमने एक लोकल गाइड किया है, उसने इसके बारे में हमें बताया। तो गाने वाने की शूट के लिए आप बहुत अच्छा शूट कर सकते हैं इसमें। कुछ मछलियाँ भी तैरती हुई नज़र आ रही है, और ये सामने यहाँ के सामने बोर्ड लगा हुआ है कि यहाँ किस किस तरह के प्लांट्स और ट्री है यहाँ पे। तो थोड़ा मैं सामने से आपको नज़र आती देखिए, बहुत सुंदर लग रहा है। ये रास्ते भी बहुत अच्छे हैं। मैं थोड़ा आगे चलता हूँ और देखता हूँ आगे क्या। ये झील का खूबसूरत सा इलाका है, देखिए आप पानी देखता हुआ। कुल मिला के बहुत ही सुंदर जगह है। यहाँ पे मोबाइल का नेटवर्क नहीं है, तो लेकिन अगर व्यू आज दिखे तो बहुत ही खूबसूरत है। मैं आपको सामने का दिखाता हूँ, देखिए कुछ जो पेड़ दिख रहे हैं तो काई से भरे हुए बड़े खूबसूरत से दिख रहे हैं। ये पहाड़ कुल मिला के हम कह सकते हैं कि बहुत अच्छी अनछुई नैनीताल में लोकेशन है, और लोगों को ज़्यादा इसके बारे में जानकारी नहीं है। और हालांकि ये आर्टिफिशियल झील है, लेकिन इसकी खूबसूरती जो है बहुत ही कमाल का है। मुझे ड्राइवर साहब बता रहे थे कि यहाँ पानी रुकता है, और उसकी वजह से इसको जो है बना दिया गया, झील बना दिया गया है। हालांकि नैनीताल की झील के सामने इसकी खूबसूरती कुछ नहीं है। अभी बारिश पड़ती है, फिर होती है अक्टूबर में, क्या हाल हुआ है अगर यहाँ शूटिंग करेंगे, लेकिन उनको ये पता नहीं कि यहाँ केंद्र की योजनाएं अलग है भाई। मौसम खराब हो गया है और बारिश शुरू हो गई है।
ये नैनीताल का मार्केट अंदर का। आज चूंकि मुख्यमंत्री आने वाले हैं तो जगह जगह पुलिस चाक चौबंद है। आप स्टेशनरी क्या कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा। और ये देखिए नैनीताल शहर में बारिश हो रही है। वैसे इस साल पहाड़ों में भी कम बारिश हुई है। सब थोड़ा सीकर जा रही है पानी। अच्छा वो बना रहे हैं। हाँ नहीं कोई नहीं कोई नहीं, थोड़ी देर बना लेंगे। ये देखिए यहाँ मेले की तैयारी चल रही है, नवरात्रि के मेले की। अब गाड़ी में पानी आ रहा है इसलिए शीशा चढ़ाना पड़ रहा है। पुलिस की ड्यूटी भी देखी। हाँ पुलिस की ड्यूटी, यहाँ कोई काम ही नहीं है पुलिस का। यहाँ कुछ नहीं है सर काम, गाड़ी हटाने की बस। चोरी चकारी कभी हो गई तो हो गई, मारपीट कभी जब सीजन में ही होती, टूरिस्ट आता है। और क्या पहाड़ का रास्ता हो, बस से गए हो? नहीं मैक्स मैक्स भी बारिश, यहाँ बारिश कम हो रही है अभी, नीचे काफी बारिश हो रही थी। और अभी हम इसी रास्ते से गए थे और पहाड़ों में मूसलाधार बारिश शुरू हो गई है। तो दो दिन तो मैंने अच्छे से निकाल दिया, आज हमारा आखिरी दिन है। अच्छा हुआ लगभग सारे एरिया जब मैंने एक्सप्लोर कर लिया था बारिश हो गई। पहाड़ों की बारिश लैंडस्लाइड का खतरा काफ़ी बढ़ जाता है। रीति रिवाज पर लगातार चालू है और आज बारिश के बाद डेफिनेटली यहाँ का मौसम चेंज हो जाएगा, ठंड बढ़ जाएगी। बारिश के बाद अभी बारिश थोड़ी थम गई है तो बारिश के बाद एक अलग तरह का नज़ारा दिख रहा है। ऊपर देखिए पहाड़, नीचे पहाड़ है, बादल घूम रहे हैं और वो देखिए नीचे गाड़ियाँ एकदम खिलौनों की तरह दिख रही है। बड़े खूबसूरत खेत दिख रहे हैं, सीढ़ीदार खेत। नीचे कुछ काम भी चल रहा है। नीचे एक पार्क जैसा है क्या है वो? हाँ नीचे से देखते हैं। हाँ नीचे से रुकते तो रुकूंगा ना वहाँ। अच्छे से बच्चों का एडवेंचर पार्क। धुंध बिल्कुल नीचे की तरफ उतर गई है। अमूमन ये माहौल जून जुलाई में रहता होगा लेकिन पहाड़ों की बारिश का कोई भरोसा नहीं रहता है। ये जगह को क्या बोलते हैं? कालगोदाम कितना है? यहाँ से होगा आपका 15-20 किलोमीटर। नहीं 15-20 तो ज्यादा है, 22-31 किलोमीटर। ये बहुत अच्छा लग रहा है एरिया मुझे। रुके ना एक बार फोटो। ये देखिए पूरा रास्ता धुंध से भरा हुआ है, कैमरा भी ठीक से फोकस नहीं कर पा। ये सामने देखिए पुल पूरा धुंध से भरा हुआ है।
ये वही पुल है ना बगल में, नया कोई पुल जो बन रहा था? नाला ये तो दूसरा रास्ता। अच्छा ये अलग ये रास्ता है। ब्यूटीफुल वहाँ रुकी, अच्छा लग रहा है। गब्बर पुल है, गब्बर पुल। अच्छा लग साइड लगा दी, चलते रहिए। हम जो बाईपास के रास्ते से आ रहे हैं उस पे कई सारे पुल दिखे, एक पीछे गब्बर पुल दिखा, ये दूसरा पुल दिखा। पहाड़ों में इसी तरह के पुल बनते हैं। ये नीचे नाला है कि कोई नदी? नाला। अभी देखिए छोटे छोटे खेत भी बने हुए हैं नीचे। धुंध में गाड़ी चलाना, और धीमे धीमे गाड़ी चल रही है हमारी। हम काठगोदाम पहुँचने वाले थे, एक समस्या हो गई कि मुख्यमंत्री आ रहे हैं, उसकी वजह से रास्ता जाम हो गया। ये देखिए भयंकर बारिश चल रही है चारों तरफ, मुझे काफ़ी थकान हो गई कि मुख्यमंत्री से लगातार घूम रहे थे। आखिरी हिस्से में आके गाड़ियाँ रोक दी हैं, गाड़ियाँ रोकी नहीं जब तक मुख्यमंत्री का प्राप्त करने के लिए। गोदाम रेलवे स्टेशन पर है और जब हम निकले तो अभी से भयंकर बारिश हो रही थी। आप आवाज़ सुन सकते हो और मैं अभी बारिश दिखाता हूँ। भयंकर बारिश हो रही है, बारिश का अलर्ट था और हम वहाँ हाथ से सर्फ होकर के लोग लौट के आ गए। लेकिन हर जगह पानी के पकड़े हुए, तो कुल मिला के यात्रा के अंतिम दिन इस तरह का बारिश को देखना, थोड़ा बारिश होते हैं। धन्यवाद।